कोटा में आज एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बारा के रसद विभाग में परिवर्तन अधिकारी को रिश्वत की एकत्र की गई 1,76,000 की राशि के साथ कोटा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा। प्रवर्तन अधिकारी दिनेश चौबे को कोटा से जयपुर जाते वक्त रकम के साथ पकड़ा। पकड़े जाने पर प्रवर्तन अधिकारी ने रकम के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अधिकारी को गिरफ्त में लेकर रकम को जब्त कर लिया गया। कोटा एसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि रसद विभाग का अधिकारी दिनेश चौबे राशन डीलर्स और दलालों से रकम इकट्ठी कर जयपुर के लिए रवाना हो रहा है। सूचना पर टीम कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंची और आकस्मिक चेकिंग के दौरान दिनेश चौबे के पास 1,76,000 रुपये नकद मिले। कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड 36 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राशिद खान विजय हुए। आज सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने भाजपा प्रत्याशी को बुरी तरह पराजित किया। कांग्रेस उम्मीदवार राशिद खान 1372 मतों से विजयी रहे। कुल डाले गए वोटों में से 1790 मत कांग्रेस पार्टी को, 418 मत भाजपा को और 20 वोट नोटा को मिले। विजयी होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार राशिद खान ने कहा कि ये उनकी जीत नहीं, ये जनता की जीत है। कोटा में दशहरा मेले की तैयारी को लेकर नगर निगम में आज मेला समिति की बैठक हुई, जिसमें मेला अध्यक्ष विवेक राजवंशी की अध्यक्षता में कई अहम निर्णय लिए गए। मेले में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सहमति बनी। दशहरा मेले में इस बार सर्कस लगेगा, बाबा अमरनाथ की गुफा भी होगी और 19 अक्टूबर को होने वाली भजन संध्या में भजन सम्राट कन्हैया लाल मित्तल प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा कवि सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके के प्रेम नगर में एक युवक पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें युवक के पेट व पैर की जांघ पर चाकू के दो घाव लगे। घायल युवक लोकेश को एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक युवक घर पर ही कुछ ही दूर पर अपने दोस्त आर्यन के साथ अखाड़ा देखने गया था। दोस्त की पुरानी रंजिश में उस पर बदमाशों ने हमला किया। पुलिस ने घायल युवक के बयान दर्ज किए हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।